हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि 2023 में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा दस का विज्ञान का पेपर जो आप सभी का ये अर्धवार्षिक परीक्षा का है फ्रेंड्स इसमें देखिए जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सभी प्रश्नों को आप देखिए और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में किस प्रकार का प्रश्न पत्र आता है चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको समय मिला है तीन घंटे का ठीक है और पुराण कितना है सत्तर नंबर का पहले यहाँ पे खंड का और खंड ख है फ्रेंड्स इसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे इसमें टोटल आपका बीस प्रश्न बहुविकल्पी है ठीक है यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है कि सभी प्रश्न के चार विकल्प दिए गए हैं सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें देखिए यहाँ पे बीस प्रश्न है प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का टोटल कितने नंबर का है बीस नंबर का है ठीक है देखिए आपका पहला प्रश्न इसमें है कि प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक्य होता है देखिए फ्रेंड्स जब प्रबल अम्ल कहेगा तो उसमें आपका यच प्लस आयन होता है तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा ठीक है सेकेंड नंबर का है कि शुद्ध जल का पी मान होता है तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है आप सभी को पता है कि शुद्ध जल का पीएच मान सात होता है तो इस प्रश्न का राइट आंसर सेवन होगा अगला प्रश्न वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव होता है तो फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन आप है जल ब्रोमीन लोहा मरकरी तो फ्रेंड्स इसने पूछा है कि वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा मरकरी चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स अपना आंसर देखें और इससे अनुमान लगाएं कि आपके बोर्ड के एग्जाम किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा ठीक है देखिए अगला प्रश्न है कि धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को कहते हैं तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है तन्यता अघात वर्धनीय ध्वनिकता सुचालकता तो फ्रेंड्स देखिए इसका राइट आंसर होगा ब आघात वर्धनीय ठीक है आपका अगला प्रश्न है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट में करते हैं तो फ्रेंड्स जो बल्ब के फिलामेंट में धातु का प्रयोग करते हैं उसका नाम है टंगस्टन आप सभी को पता है कि उसका नाम क्या है टंगस्टन और टंगस्टन को डाब्लू से दिखाते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा द डाब्लू चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है इसका ऑप्शन है एन ए टू थ्री डॉट टेन एस टू ओ अगला है एन ए एच सीओ थ्री एन एस सी एल एन एच फोर सी एल इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा एन ए टू सीओ थ्री डॉट टेन एस टू ओ आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन एस टू विस्थापित करती है तो फ्रेंड्स जिसकी सक्रियता अधिक होती है वह धातु अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करती है विस्थापित करती है तो ये आपके सामने ऑप्शन है एम जी एम जी मैग्नीशियम होता है सी यू कापर पी टी से प्लेटिनम या जी से पारा तो फ्रेंड्स यहाँ भी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मैग्नीशियम मैग्नीशियम ठीक है अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत है यानी O2 कहाँ से मुक्त होता है फ्रेंड्स तो इसका राइट right आंसर है जल जल से O2 मुक्त होता है अगला प्रश्न है प्रत्येक जबड़े के अग्रबड़ों को संख्या होती है तो फ्रेंड्स प्रत्येक जबड़ा जो होता है उसमें अग्रबड़ों की संख्या कितनी होती है दो जोड़ी होती है तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स वह एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है सुक्रेज लेफेज लाइपेज नास्टेज फिर यहाँ पर नास्टेज नहीं होना चाहिए था इनवर्टेज होना चाहिए था इसलिए कि इसका राइट आंसर ही यही होगा इन्वर्टेज वह एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है उसको बदल बोलते हैं इन्वर्टेज इसका राइट आंसर होगा इनवर ठीक है आपका अगला सवाल है ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है इसका ऑप्शन था आपके सामने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा दोनों बी या सी दोनों सही होगा या इसमें से कौन सा होगा तो फ्रेंड्स जो प्रो ट्रिप्सिन जो होता है ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है तो ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है तो इसका राइट आंसर ब होगा आपका अगला सवाल ऊर्जा की मुद्रा है यानी कि ऊर्जा किस रूप में मिलता है तो इसका रूप होता है ए टी पी सी इसका राइट आंसर होगा ए टी पी ठीक है देखिए ए टी पी ये होता है ए टी पी ठीक है अगला सवाल है यकृत द्वारा क्या स्रवित होता है तो फ्रेंड्स ये आपके सामने ऑप्शन आप है लार जठर रस पितरस अगन अगन्याशिक रस तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा स पितरस यकृत द्वारा आपको होता है पितरस स्रवित होता है आपका अगला सवाल फ्रेंड्स है कि प्रकाश की तरंग दर्द प्रास होती है यानी प्रकाश तरंग दर्द जो है उसकी प्रास यानी रेंज बताना है आपको तो फ्रेंड्स ये आपके सामने चार ऑप्शन हैं इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा ए होगा यानी चार हज़ार एंगेस्ट्राम से लेके आठ हज़ार एंगेस्ट्राम के बीच होता है ठीक है यानी कि इसका सही से देखा जाए तो ये आपको होता है उनतालीस हज़ार एंगेस्ट्राम से लेकर अठहत्तर हज़ार एंगेस्ट्राम तो ये जो मेन होता है ठीक है ये किसके बीच में आ रहा है चार हज़ार आठ हज़ार के बीच में ही आ रहा है इसका राइट आंसर यही होगा ठीक है चार हज़ार एंगेस्ट्राम और आठ हज़ार एंगेस्ट्राम होता है आपका अगला सवाल है यदि कोई प्रकाश की किरण 45 अंश के कोण पर अपवर्तित होता है तो माध्यम का अपवर्तनांक दो है तो आपतन कोण का मान होगा फ्रेंड्स इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट ये है कि यहाँ पे दो नहीं करड़ी में दो होना चाहिए देखिए क्यों होना चाहिए कड़ी में दो यदि देखिए आपतन अपवर्तन होता क्या है देखिए ये है आपका कोई माध्यम मान लीजिए इसमें से क्या होता है आपका देखिए कोई माध्यम है इसमें क्या करता है कि प्रकाश की किरण जैसी ये और माध्यम में ये दूर हट जाता है जैसे मान लीजिए विरल है ये सघन है ये सघन है आपका ठीक है ये विरल माध्यम है ठीक है तो विरल में क्या होता है कि आपको पता होगा कि जब प्रकाश किरण आती है तो क्या होता है कि अभिलंब से दूर हट जाता है ठीक है देखिए इसको बोलते हैं आपतन आपतन कोर और इसके क्या बोलते हैं अपवर्तन कोण अपवर्तन कोण बोलते हैं ठीक है इसे आपतन बोलते हैं इसे अपवर्तन कोण बोलते हैं तो इसमें देखिए क्या कर रहा है को यहां कि यदि प्रकाश की किरण अंश के, के कोण अपवर्तित होती है अपवर्तित मतलब होता है कि यहां आपका पैतालीस अंश और यहां पे आपका आपतन वाला पूछ रहा है यानी कि देखिए ये आपतन पूछ रहा है यहां पर आपका फार्मूला होता है कि आपवर्तन अपवर्तन बराबर क्या होता है साइन आई अपान साइन आर साइन आई का मान कितना होता है फ्रेंड साइन आई देखिए यही साइन आई आपको पता करना है साइन आई पता करना है यानी कि आप तन तो पता करना है और यहाँ पे अपवर्तन देखिए दो दिया रखी है तो दो रखिए अभी बता रहे हैं ठीक है देखिए दो यहाँ पे साइन आई यानी साइन आर का मान कितना दिया साइन आर की जगह आप पैंतालीस ले लीजिए ठीक है यहाँ पर जब आप पैंतालीस लेंगे तो इसको हल करेंगे देखिए दो हो गया साइन आई सांस का मान कितना होता है एक पटाख कड़ी में दो होता है यहाँ गुणा करेंगे दो एक बटा कड़ी दो साइन आई ठीक है अब इसको हल करेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा दो पटाखी कर, कर, में कर कर लीजिए इस तरह तो दो से दो जाएगा कड़ी में दो आ जाएगा तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कड़ी दो यानी कि इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो कहीं पे कड़ी दो आपका नहीं दिया है दो दिया है तीन बटक दो तीन पाँच इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है? डाउट यहाँ पे है कि यहाँ पे दो रहेगा कि कड़ी में दो रहेगा तो इससे आप सवाल को देख लीजिएगा ठीक है आपका अगला सवाल है कि एक वस्तु उत्तर लेंस के सामने टू एफ़ दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा जब फ्रेंड्स कोई वस्तु टू एफ दूरी पर रखी जाती है तो उसकी प्रतिबिंब टू एफ़ पर ही बनता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वह आपका अगला सवाल है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी जीरो पॉइंट टू मीटर उसकी क्षमता देखिए आपकी क्षमता को डी से दिखाते हैं डायोप्टर होता है वन अपन यफ होता है इसका फार्मूला यहाँ पे वन हो गया यफ़ का मान कितना दिया है जीरो पॉइंट टू यानी दस मूल हटाएंगे तो दस हो जाएगा और नीचे दो यानी कितना जो है पाँच इसका राइट आंसर हो जाएगा पाँच डायोप्टर ठीक है इसका क्या आंसर हो पाँच डायोप्टर आपका अगला सवाल है कि नेत्र लेंस होता है फ्रेंड्स जो नेत्र लेंस होता है वह एक अभिसारी लेंस होता है इसका राइट आंसर अ होगा आपका अगला सवाल है मनुष्य के स्वास्थ्य नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है फ्रेंड्स रेटिना पर इसका राइट आंसर अ होगा चलिए अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल आपका क्या है यहाँ पर देखते हैं ठीक है यहाँ पे आपका प्रकाश के लिए किस रंग का विकिरण सबसे कम होता है तो फ्रेंस सबसे कम होता है लाल रंग का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द श्वेत प्रकाश के क्रम में विद्यमान रंगों के क्रम को किस शब्द द्वारा याद रखा जा सकता है तो इसको ग्योर कहते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आई बी जी वाई ओ आर वाइवग्योर पढ़ते हैं ठीक है चलिए खंड ख है इसमें आपको प्रश्न दिखा देते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे आपका आपका प्रश्न है अति लघु उत्तरी प्रश्न और क्षेपण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं यह प्रश्न था इसको पढ़िए और अपने किताब में देखिए किस प्रकार से इसका आंसर दिया है और उसको याद रखने का प्रयास कीजिए हो सकता है कि बोर्ड के एग्जाम में यही प्रश्न आ जाए तो आपको बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी इन प्रश्नों को देखें और अपने किताब में इसको देख के नोट्स में लिख लें देखिए अगला प्रश्न था कि अम्ल तथा क्षार को आधुनिकरण अवधारा को स्पष्ट कीजिए फिर है श्वसन को परिभाषित कीजिए अपवर्तन के नियम लिखिए यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दो है तो जल में प्रकाश की चाल देखिए फ्रेंड्स जो अपवर्तनांक से संबंधित इस सवाल को तो आप दो तो तीन बार लगा लीजिएगा इसलिए कि अपवर्तन से संबंधित आपके बोर्ड के एग्जाम में भी प्रश्न बहुत पूछता है आपका लघुत्तरी प्रश्न देखिए कैसा प्रश्न पूछा गया था पहला था कि उत्तर लेंस में वस्तु को अनंत पर रखने पर बनने वाले प्रतिबिंब को चित्र सहित वर्णन कीजिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं यदि एक प्रिज्म देखिए प्रिज्म से भी सवाल पूछा गया है तो जिससे सवाल पूछा गया उससे एक दो एक दो प्रश्न क्या कीजिए आप हल कर लीजिए आपका अगला है बेकिंग सोडा अथवा तो खाने वाले सोडा कि दो निर्माण विधियाँ कौन कौन सी विधि से आप बेकिंग सोडा और खाने वाला सोडा प्राप्त कर सकते हैं उसे निर्माण विधि का नाम लिखना था यहाँ पे आपका अगला था कि स्थलीय प्राणियों में श्वसन को समझाइए व अन्य जंतुओं में श्वसन अंग बताइए आपका अगला सवाल था प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं इसे समीकरण द्वारा समझाइए ये प्रश्न है फ्रेंड्स इसकी व्याख्या बोलेंगे तो हम लिख के आपको व्याख्या कर देंगे ठीक है कमेंट में लिख सकते हैं इसके बारे में किसी भी पांच प्रश्नों को उत्तर देखिए यहाँ पे आपका सात प्रश्न है इसमें से आपको पांच का उत्तर देना था आपका सवाल था कि यकृत को चित्र सहित वर्णन करना था हृदय का सचित्र वर्णन करना था बेकिंग सोडा के निर्माण विधि रासायनिक गुण एवं उसका उपयोग लिखना था विद्युत अवघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं फिर इसी आपके उत्तल लेंस से सवाल है देख सकते हैं और इसे आप हल करके देख सकते हैं कि आपका आंसर कितना आ रहा है आपका अगला सवाल था कि एक दूरदृष्टि से पीड़ित देखिए अब निकट दृष्टि दोष दूरदृष्टि दोष आप सभी को पता है कि कितना ज़्यादा आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रश्न इम्पॉर्टेंट है तो इस प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए और समझिए और इसका प्रैक्टिस कर लीजिए और इसका नोट्स भी आप बना लें आपका अगला सवाल है ब्रिक की संरचना एम कार लिखिए तो फ्रेंड्स ये आपके सभी जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में इस समय जो वर्तमान में चल रहा है ये आपके सामने पेपर था इन पेपर को अच्छे पर भरी भांति देखें और उस पे प्रैक्टिस कर लें जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें